वेलकम बैक एवरीबडी एंड कैंपस एक्टिवेयर के बारे में बात करने वाले हैं काफ़ी सारे जने कन्फ्यूज हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कन्फ्यूजन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि क्योंकि हमें पर्सनली नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसे स्टॉक को लेकर आपको कन्फ्यूज होना चाहिए कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने एंड पे और देखिए कंपनी के अंदर एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ आ रही है जो इनका टारगेट मार्केट है बहुत ही अच्छा है इन्होंने बहुत अच्छे मार्केट को टैप किया है फर्स्ट जनरेशन ऑनटरप्रीनियोर है कैंपस एक्टिवेयर के एंड फिनोमिनल मैनेजमेंट अभी तक तो नज़र आ रही है तो आपको वो एक फैक्टर हमेशा काउंटिन करना चाहिए एंड एज लॉन्ग एज मैनेजमेंट इज गुड वो बैलेंस शीट को अच्छा बना सकते हैं तो आपको वो एक फैक्टर हमेशा सोचना चाहिए एटी नाइन हंड्रेड करोर्स का मार्केट का डिमांड करते हैं इस समय स्टॉक स्टॉक का पी सेवेंट सिक्स पे है बुक वैल्यू ट्वेंटी सिक्स पे है एंड उसके अगेंस्ट में टू नाइनटी थ्री ऑलमोस्ट इलेवन टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक इंडस्ट्री का पी थर्टी सेवन है और सेल्स ग्रोथ यहाँ पे फिनोमिनल है जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा सबसे पहले कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स देखते हैं देखो यहाँ पे कैंपस एक्टिवेयर स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ टू रिज्यूम अर्निंग ग्रोथ हमें अभी भी सही लग रहे हैं ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखने को मिला था अडानी विलमार कैंपस एक्टिवेयर अमंग फाइव निफ्टी फाइव हंड्रेड स्टॉक्स ट्रेडिंग एट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट देखो कोई भी स्टॉक अगर इतने मैसिव डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है तो बिकॉज इट वॉज एक्सपेंसि एंड अब वो सही वैल्यूएशन पर आ रहा है तो आपको हमेशा वो एक फैक्टर देखना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है तो मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए बट काफ़ी सारे जने जो हैं जो लो बाय करते हैं उनको दिखा होगा कि यहाँ पे 300 के आसपास में लो प्राइस बना एंड यहाँ पे इट इज़ गुड पिक तो वो एक फैक्टर हमेशा आपको देखना चाहिए बट एनी सेल्स नंबर्स की बात करते हैं अच्छी ग्रोथ देखने को मिली जून 2022 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो उतनी रो आ, रोबस ग्रोथ नहीं देखने को मिली प्राइमरी रीजन यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेशन है एंड वो थोड़ा सा फैक्टर इन हो जाएगा हमें लगता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर एंड वो एक प्रॉब्लम नहीं होगा सेल्स अगर आप देखेंगे दो से दो में डबल की फिगर देखने को मिली है एंड रिसेंटली जो इनके आर्ट कैम्पेन्स थे वो भी थोड़े से सक्सेसफुल प्रूव हो रहे हैं तो वो एक फैक्टर आपको काउंटिन करना चाहिए कॉपरेट एक्शन अभी कुछ है नहीं एक सौ सत्रह करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला अच्छा देखो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस करते हैं पीई को लेके सेवेंटी सिक्स के, के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है थर्टी परसेंट की सेल्स ग्रोथ आ रही है हमें लगता है यहाँ पे कही कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है ये बट 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 आप ये सोचो कि स्टॉक का जो पी है वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा देखो कॉन्ट्रैक्ट होने के दो तरीके हैं इधर स्टॉक का प्राइस जो है वो कम हो जाए या फिर इधर ईपीएस जो है स्टॉक का वहाँ पे ग्रोथ आ जाए अच्छी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरा वाला तरीका हो तो स्टॉक का पी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए थोड़ा सा एंड वो एक अच्छा साइन होगा यहाँ पे अब अगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट में बोरिंग्स 335 करोड़ के हैं उसके अगेंस्ट में 400 करोड़ के रिजर्व्स हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स सिर्फ 26 करोड़ है लीज लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कंपनी के पास में है एंड इन स्टोर्स के लिए वो चाहिए होता है तो वो भी हमें लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है शेयर होल्डिंग पार्टनर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एफ आई ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है बट दिसंबर 2022 के बाद में आप देख रहे हैं किस तरीके से बाइंग हुई थी यहाँ पे हमें लगता है ये एडजस्टमेंट फिगर होगी एक्चुअली में हाँ ये एडजस्टमेंट फिगर होगी तो इसको इग्नोर करिए बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे एफ आई ने थोड़ा सा स्टेक कम किया एंड यहाँ पे जो वेल्दी इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज होल्ड करते हैं वो आप देख पा रहे हैं आइए चार्ट डिस्कशन करते हैं देखो जब भी स्टॉक के अंदर इस तरीके का फ्री फॉल आपको देखने को मिले तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार स्टॉक अब बॉटम आउट करेगा उसके बाद ही रिवर्सल जाएंगे डेड कार्ड बाउंस देखने को मिलता है हमें अक्सर चार्ट पे एंड डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है यहाँ पर तो ये बहुत प्रीवियस चीज़ है अगर आप मार्केट्स में रहे हैं तो यू आर लकी टू विटनेस समथिंग लाइक दिस एंड हम लोगों ने काफ़ी लेट सीखा था डेफिनेटली तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपको यहाँ पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly किन लेवल्स पे जो है स्टॉक सस्टेन करते हैं तो, तो दिस इज अ गुड थिंग एंड बॉटम के बाद में देखो बॉटम के अंडर क्लोजिंग मिली है तीन सौ चार रुपये का जो बॉटम था उसके नीचे ही स्टॉक हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है पिछले काफ़ी समय से अब एक सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ये आता है कि बॉटम आउट कब होता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक देखो डेट और ये सब तो कोई भी नहीं बता सकता है आपको तो वो एक फैक्टर और काफ़ी सारे जने पूछते हैं छः महीने चार महीने में कहाँ होगा देखो ये बताना मुझे नहीं लगता है कोई भी मार्केट में आपको बता सकता है तो वो एक फैक्टर है बट आपको ध्यान क्या देना है मैं आपको वो बता सकता हूँ देखो यहाँ से भी स्टॉक में अगर छोटे से ब्रेकआउट्स आते हैं तो ये मत समझिएगा कि स्टॉक में जो है रिवर्सल आ गया रिवर्सल जब भी आएगा उससे पहले स्टॉक बॉटम आउट करेगा एंड बॉटम आउट कैसे होगा एक जोन बनेगा जहाँ पे स्टॉक साइडवेज जाएगा एंड साइडवेज जाके कंसोलिडेट करेगा कुछ ऐसा जोन बन सकता है इधर यहाँ से स्टॉक और जब रिकवरी करे तो यहाँ से ट्वेंटी से ज़्यादा की अपसाइड देखने को मिल जाए तो हम लोग फाइनली कहेंगे कि कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट हो गया स्टॉक का जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं डाउनफॉल देखने को मिला उसके बाद ऑलमोस्ट फोर्टीन फिफ्टीन परसेंट के अपसाइड एंड वापस से वो जर्नी कंटिन्यू हुई सिमिलर अगर आप यहाँ पर देखेंगे बॉटम होना बीस परसेंट की अपसाइड तो जब तक ये बीस इक्कीस परसेंट की फिगर्स ब्रेक नहीं होती हैं एक सिग्निफिकेंट अपसाइड नहीं आती है ये गैप कवरिंग नहीं होती है तब तक हमें नहीं लगता है कि यहाँ से स्टॉक जो है बॉटम आउट इतनी जल्दी करेगा तो आपको वो एक फैक्टर काउंटिन करना चाहिए एंड ये दो तरीके हैं जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ यार स्टॉक जो है फाइनली बॉटम आउट कर रहा है एंड हम लोग भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है स्टॉक में पोजिशन बनाना चाहते हैं बट हम लोग भी तभी बनाएंगे जब स्टॉक बॉटम आउट करेगा अभी बनाना थोड़ा सा रिस्की साइड पर हो सकता है क्योंकि हमें पता नहीं है स्टॉक किस लेवल पर जाकर रुकेगा तो वो एक फैक्टर है यहाँ पर हम थोड़ा सा काउंटिन करते हैं विद दैट सेड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी लाइक ऑलवेज आन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग